Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग class 12th के English के chapter को देखेंगे. ये एक poetry है जिसे कमला दास ने लिखा है. Flamingo book से लिया हुआ ये एक poetry है. My mother at 66. 12th board में ये आ सकता है. उसी का chapter है. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. About the poet. सबसे पहले किसने इसे लिखा है, उनके जीवनी, उनके थोड़े लाइफ को देखते हैं. कमला दास 1934 to 2009 was born in मालाबार, केरला. कमला दास के जन्म 1934 और उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी. उनका जन्म केरला के मालाबार में हुआ था. She is recognized as one of India's foremost poet. उन्हें पहचान इस रूप में मिली कि उन्हें इंडिया का सबसे प्रसिद्ध पोएट यानी कवियों में एक कहा जाता है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. उनकी रचनाएं, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, जो उन्होंने लिखा उसे उनकी ओरिजिनलिटी यानी जो मौलिक यानी सच्चाई है उसके लिए. वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी, अलग अलग तरह से जिस तरह से उन्होंने लिखा उसके लिए. और अपनी मिट्टी, अपने वतन, अपने सॉइल से रिलेटेड, चाइल्डहुड हो या जो भी जगह हो उससे रिलेटेड बात कही, उसके फ्लेवर को बताया, उसके लिए भी जानी जाती है उनकी कविताएं. कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. कमला दास ने बहुत सारी इंग्लिश में नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है. एंड मलयालम अंडर द नेम मधाविकुट्टी और मलयालम में उस समय उनका नाम मधाविकुट्टी के नाम से लिखा है. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories Padmavati, the Harlot and other stories, 1992, in addition to 5 books of poetry. इनके कुछ works के नाम दिए हुए हैं, आप इन लोगों को, आप इस चीज को note कर लीजिएगा, जो famous works हैं इनके. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. वो एक बहुत ही संवेदनशील राइटर है, संवेदनशील कवित्री के तौर पर उभर कर आई थी, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव के संबंध को बहुत ही अच्छे से अपने लिरिकल यानी लयबद्ध तरीके से दर्शाया है. कॉम्प्लेक्स यानी जटिल रिश्तों को, एक नाजुक रिश्तों को, इन सब की व्याख्या की है. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. ये जो पोएट्री है इनकी, माई मदर एट 66, ये उसी का एक उदाहरण है कि ये कितना सेंसिटिव है. ये ह्यूमन रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जो हमारा साइकोलॉजी होता है, जो हम लोग किसी से अटैच हो जाते हैं उसके बारे में ये पोएट्री है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस पे एक नजर. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. एजिंग जो होता है, जो उम्र का ढलना होता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इज दैट क्लियर? ये एक नेचुरल प्रोसेस है. क्या आपने कभी सोचा है कि एक हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, जब वो बूढ़े हो जाए तो वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? इन सबसे इस पोएम को इलस्ट्रेट किया है इन्होंने. आइए पोएम स्टार्ट करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने फैमिली के घर, पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी. ड्राइविंग का मतलब यहाँ पर है कि या तो मैं ऑटो से, रिक्शा से, टैक्सी से या कार से, किसी भी चीज से जा रही थी. मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल के सीट पर बैठी है. डोज ओपन माउथेड, हर फेस एस इन लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. डोज का मतलब होता है हल्की झपकी, नींद आना. वो सो रही थी, उनकी आंखें भरी भरी थी. और वो कैसे सो रही थी? मुंह खोल कर सो रही थी, ओपन माउथेड. उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे रंग उड़ गए हों. एसएन का मतलब होता है रंग उड़ना, या फिर बुढ़ापे की वजह से जो चेहरे पे पेल हो जाता है यानी रंग कलरलेस हो जाता है, उससे रिलेटेड है. ऐसा लग रहा था देख के जैसे कि कोई एक बॉडी एक रेस्ट में जब चला जाता है तो वो कैसा लगता है कि एक लाश की तरह वो पड़ा हुआ है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये सब मुझे बहुत दर्द के साथ एहसास हो रहा था. डेट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो अब उतनी बूढ़ी दिखने लगी थी जिनकी जितनी उनकी उम्र थी. मतलब वो अब उम्र के हिसाब से वो दिखने लगी थी. But soon put that thought away and looked out at young trees sprouting, the merry children spelling out of their homes.
ये सब देखने के बाद मुझे बहुत दर्द हुआ, दर्द महसूस हुआ, तो मैं अपने ध्यान को भटकाने के लिए मैं बाहर देखने लगी, जिस गाड़ी से जा रही थी उसके बाहर देखने लगी। और मैंने क्या देखा, एक युवा पेड़, एक शुरुआती जो पेड़ होता है वो किस तरह से, जैसे कार चल रही है मौसम में तो पेड़ आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है उछल कर आगे पीछे जाना, तो ऐसा लग रहा था पेड़ मेरे साथ साथ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे छूट रहे हैं। एक खुशनुमा बच्चा जो होता है, एक मेरी चिल्ड्रेन जो कि खुशी से खेलने जाता है, वो अपने घर से किस तरह से खेलने के लिए बाहर भागता है, उन सबको मैं देख रही थी। ये दो दृश्य जो थे मेरे सामने आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मेरी एयरपोर्ट, ऐसा करते करते हम लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंच गए और सिक्योरिटी चेक होने के बाद, एयरपोर्ट पर जो भी कस्टम होता है, चेकिंग होता है, उन सब के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड का मतलब होता है कुछ दूरी, कुछ दूरी, निश्चित दूरी, वहां से जब मैं खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। वैन मतलब होता है कलरलेस, फेडेड चेहरा, फिर से वैसी ही वो दिखी। पेल मतलब ये होता है चेहरा पीला पड़ना, सुस्त होना। जब मैं चेकिंग होने के बाद फिर से वहां पर जब देखी, तो देखती हूँ कि मेरी माँ वैसी ही बूढ़ी सुस्त हो गई है। एज अ लेट विंटर्स मून डैट फील्ड ओल्ड फैमिलियर एक, वो देखने में वैसा लग रहा था जैसे ठंड के दिनों में लेट से चांद का निकलना, एकदम चांद से उनकी तुलना की गई, विंटर्स मून जो होता है ठंडे चांद का। और फिर से मुझे याद आया, महसूस हुआ पारिवारिक दर्द के बारे में, फैमिली एक के बारे में, पुराने पारिवारिक दर्द के बारे में, माई चाइल्ड हुड फियर। उनका कोई चाइल्ड हुड फियर था, बचपन में किसी किसी को कुछ डर होता है, जो भी स्वाभाविक डर हो, माता पिता से दूर होने का या फिर स्कूल का, कुछ भी रिलेटेड जो भी डर हो, वो उन्हें याद आया। एंड बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन इन सब डर पर काबू पाने के बाद मैंने बस एक ही लाइन कही, सी यू सून अम्मा। वो अपनी माँ को अम्मा के नाम से, माँ, मम्मी, मॉम जो भी लोग कहते हैं, वो अपनी माँ को अम्मा के नाम से संबोधित करती थी। तो उन्होंने कहा कि हम फिर मिलेंगे, हम तुम्हें जल्द मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज ए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं हंसती रही, मुस्कुराती रही, उनको देखकर उनकी तरफ मुस्कुराती रही। शायद वो बोलती तो उनकी माँ और रोने लगती या फिर वो फूट पड़ती रोने में, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए फिर मिलेंगे कह के आगे बढ़ गई। ये एक बहुत ट्रू पोयम है, क्योंकि लाइफ में सबको डर होता है सेपरेशन का, फैमिली सेपरेशन, माँ बाप से सेपरेशन, की एक वक्त के बाद वो हमें छोड़ देंगे या फिर दूरी बन जाएगी। इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, इलुस्ट्रेट किया है अपने सेपरेशन के डर के बारे में, कि वो उनसे दूर हो जाएंगी, अलगाव हो जाएगा या फिर कहीं चली जाएंगी तो क्या होगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि हर वक्त सोचता है कुछ ना कुछ के बारे में, उसके बारे में कमला दास ने बहुत अच्छे अपने वर्क को शो किया है इसमें। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगी। थैंक यू सो मच।